सुधांशु जी, आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कह रही है इस्तीफा दो, वो कहते हैं आपने साजिशन ये सब कुछ किया, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब मामला तो फंस के रह जाएगा दिल्ली की जनता के लिए। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं क्यों? और अगर कुछ करना है तो एलजी साहब करें ना, जैसा उन्होंने पहले इशारा किया था कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, जेल से तो सरकार चल रही है। अंजना जी, प्रदर्शन करने पे सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो प्रदर्शन करके ही आए थे और ये कहते हुए आए थे 12 साल पहले कि हम तो राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो राजनीति में नई राजनीति करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि अगर भारत की राजनीति में 10 वर्षों के अंदर इतना बड़ा पराभव किसी पार्टी के मूल्यों में देखने को मिला है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को भी डिटोरिएट होते होते लंबा समय लगा था, 2-3 पीढ़ियां लगी थी। सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादियों को एक समय लगा, इवन जो बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल मूवमेंट कहे जाते थे, बसपा हो, डीएमके हो, समय लगा, परंतु इनका कितना तेज पराभव हुआ। आज सवाल यह नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, सवाल यह कि इन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या वादा किया था और आज क्या कर रहे हैं। पहले ये कहते थे जब तक हम निर्दोष ना हो जाए, अब हाईकोर्ट ने तो कह दिया, अब इसके बाद क्या होगा। और मैं अंजना जी इससे बड़ी बात कहना चाहता हूं, या आज वो लोग कहां गए, एक बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड लॉबी होती थी इंटेलेक्चुअल्स की, जो कोई भी केस दर्ज हो जाए किसी के विरुद्ध तो वो तुरंत कहते थे कि साहब अगर ये पद पे रहेंगे तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आज कोई उसमें से सवाल ही नहीं उठा रहा है। जो लोग कहते थे दूसरे हाईकोर्ट में केस को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, पिछले 20-25 सालों में हमने ऐसे तमाम उदाहरण देखे, वो सब आज मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, ना किसी को कोई मूल्य नजर आ रहे हैं, ना किसी को कोई टेक्निकलिटी नजर आ रही कि कुर्सी पर रहते हुए कोई जांच को प्रभावित कर सकता है। उल्टे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जेल से चल रहा है तो मॉरल सवाल नहीं, टेक्निकल सवाल है। तो टेक्निकल सवाल का मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं कई बार, क्योंकि जब विधानसभा लगातार सत्र में है, जैसे संसद सत्र में होती है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं लाता है, तो पहली जो लाइबिलिटी है वो स्पीकर के ऊपर है। मगर मुझे लगता है शायद आम आदमी पार्टी के मन में अभी अपनी फजीहत कराने की कुछ हसरतें बाकी रह गई हैं, इसलिए मुझे लगता है उनकी हसरतें थोड़ी पूरी हो जाएं कि वो कितनी और फजीहत अपनी करा सकते हैं जनता की नजर में, उसके बाद जो भी होगा संविधान सम्मत निर्णय किया जाएगा। पहले उनकी फजीहत की सियासत की हसरत पूरी होने दी जाए। एलजी साहब पर आपने कुछ नहीं बोला, वो तो दिल्ली की जनता से कह रहे थे कि जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। मैंने तो बोला, अब जब से जेल से वो चला रहे कुछ नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा, मैं देखिए एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। हाँ। मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, दिल्ली की विधानसभा पूरे देश की इकलौती विधानसभा है जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता, साइन डाई होती नहीं, सो टेक्निकली विधानसभा इज परपेचुअल इन सेशन। और मजे की बात यह, बैठती साल में एक ही बार है, कभी केवल बजट पास करने के लिए या फिर केजरीवाल जी को तमाम अनाप शनाप किसी के बारे में बोलना होता तो विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। जैसे मैंने पुनः कहा, जब संसद सत्र में चल रही होती है तो राष्ट्रपति कोई आदेश नहीं देता, तब जो आदेश आएगा थ्रू संसद आएगा। जैसे विधानसभाएं चल रही होती हैं तो राज्यपाल विधानसभा सत्र के दौरान नहीं देता, तो जवाब दे आम आदमी पार्टी कि सत्रावसान हुआ है क्या? सत्रावसान हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन कहां है? अगर सत्रावसान नहीं हुआ है तो जवाब स्पीकर से पूछा जाना चाहिए, एलजी से नहीं। प्रियंका जी, अब आपके पास आते हुए सवाल देखिए बहुत गहरा है। मुझे पता है आपकी पार्टी का स्टैंड है, आप लोग सब उसको डिफेंड करते हैं कि जेल से चलाएंगे सरकार, साजिश है, लेकिन कब तक ये मजाक कब तक चलेगा? सुनिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन में मेरिट देखा, ईडी ने जो एक्शन लिया है उसमें मेरिट देखा, तभी तो जब आप लोग कह रहे थे कि ये कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो उन्होंने कहा नहीं अवैध नहीं है और तमाम बातें उसके पक्ष में कही। न सिर्फ उनकी भूमिका बतौर मुख्यमंत्री बल्कि इस पूरे घोटाले के पैसे का इस्तेमाल उसको छिपाने में उन्हें संलिप्त पाया, ऐसी बातें पाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? मतलब अन्ना के सिपाही, करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो कहते थे कि पद छोड़ना चाहिए वरना पद से प्रभावित करेंगे, उनको आज पद से इतना प्यार हो गया है कि पूरी दिल्ली को दांव पर लगा रहे हैं। प्रियंका जी, अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 49 डे की सरकार बनी थी तो उसके बाद भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये कहना गलत होगा कि उनको कुर्सी से किसी भी तरह का मोह है। उन्होंने लगातार दिल्ली की जनता को जन कल्याण सेवाएं दी हैं और एक मुनाफे का बजट पेश किया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है,
कि आज इस्तीफा कौन मांग रहा है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, ब्रिजभूषण जनता पार्टी, इन्होंने आपने देखा कभी इस्तीफा मांगा हो सीएम बीरेन सिंह का जो बार बार कह रहे थे कि मणिपुर में मशीनरी फेल हो चुकी है, या इस्तीफा मांगा हो अजय मिश्र टेनी का जिनके बेटे ने चार हमारे अन्नदाता के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी हो, या इन्होंने इस्तीफा मांगा हो व्यापम स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स ही अपनी पार्टी में ले आई है ब्रिजभूषण जनता पार्टी, और ये नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाए, पहली चीज। दूसरी चीज अंजना जी, आप देखिए ये हो क्या रहा है, ये दिल्ली में लगातार हमसे चुनाव हार जाते हैं, ये जहां भी हमारे अगेंस्ट लड़ते हैं भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल से हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑपरेशन लोटस ट्राई करते हैं, इनका ऑपरेशन लोटस हर जगह सक्सेसफुल हो जाता है, कितनी जगह सक्सेसफुल हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कितनी जगह हमने देखा सक्सेसफुल हुआ, गोवा, पर दिल्ली में आके इनका ऑपरेशन लोटस भी फेल हो जाता है, चुनाव ये हार जाते हैं, एलजी इनके हमारी फाइलों पे बैठते हैं, रोकते हैं हमारा काम, हम फिर भी इनके काम, हम अपने काम रोकते रहते हैं, चाहे दिल्ली में फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री शिक्षा हो, हमने सारे काम किए, फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, लगातार हम काम करते गए इतनी बाधाओं के बाद भी। तो इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा, मैं हाईकोर्ट की बात पे भी आऊंगी, इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा जिस षड्यंत्र के अंदर इन्होंने भाजपा दफ्तर में एक कहानी गढ़ी। पहले इन्होंने कानूनों में संशोधन कर दिए, संशोधन कैसे, आज अरविंद केजरीवाल जी बिना एफआईआर, बिना ट्रायल, बिना किसी चवन्नी की रिकवरी के सबूत के, बिना चवन्नी की रिकवरी के इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक रेडे की हमारे नेताओं के यहाँ, पर चवन्नी कहीं नहीं मिली। उसके बाद दो बयानबाजी के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है। अब ये इसमें अगर ये किसी पे झूठी तोहमत लगा देंगे तो इनके प्रेशर में थोड़ी आएंगे। इन्होंने आज जो हाईकोर्ट की बात आपने उठाई, तो हाईकोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में लिखा कि मैं मेरिट्स पे कमेंट नहीं कर रही, और अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बीच में लिखा हुआ है कि जो इनके दो सरकारी गवाह हैं, एक मंगुट्टा रेड्डी जो भाजपा के टिकट से आंध्र प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक शरत रेड्डी जिसने 10 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, फिर इनफैक्ट वो कोर्ट भी गया था 19 जनवरी 2023 को, वो कोर्ट गया, उसने कोर्ट में कहा कि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले, उसके साथ मारपीट हो रही है, पर क्योंकि उसके ऊपर पीएमएलए लग गया था तो उसकी बेल नहीं हो पाई, और उसने फिर सरकारी गवाह बनके भाजपा को 60 करोड़ दिए, ईडी की चुप्पी खरीदी, तब जाके उसकी बेल हुई। आपने अपनी बात कह दी और लगभग यही बात आप रोज कह रही हैं, तो हमारे दर्शक इसको अब तक रट चुके होंगे। बात तो हाईकोर्ट के बात पर है, हाईकोर्ट ने उसी में पैरा 88 में आपको समझाया है, बाकायदा उन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि विटनेस और अप्रूवर के बीच का फर्क क्या है। विटनेस यानी कोई गवाह जिसका पीएमएलए में ईडी वाले उसका बयान दर्ज कर सकते हैं, लेकिन 164 सीआरपीसी के तहत जब अप्रूवर अपना बयान देता है तो मजिस्ट्रेट पूछते हैं क्यों बयान दे रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ होता है, आप तो खुद एक वकील हैं, आप भी फर्क जानती हैं, ये मेरिट्स ऑफ द केस को ही हाईलाइट करता है। तीन चार बातें हैं इसमें, कोर्ट ने यह भी कहा है कि न सिर्फ अप्रूवर्स का बयान है बल्कि कोरोबोरेटिव हवाला ऑपरेटर्स, 90 लाख रुपया आपका गोवा का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे पैसे मिले, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि संलिप्तता है न सिर्फ मुख्यमंत्री की घोटाले में बल्कि पैसे को बाद में छिपाने में भी। अब इस पर तो आइए, छोड़िए बीजेपी क्या मांग रही है, बीजेपी पर आप 100 सवाल खड़े कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिपाही निकला था, जब कोर्ट ऐसा कह रहा है कि अप्रूवर्स की बात को माना जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट वो कोर्ट का ही एक्सटेंशन है, उनके सामने बयान है तो वो एक्सेप्टेबल होता है कोर्ट में, ये सीरियस नहीं है अंजना जी? देखिए, विटनेस और अप्रूवर के फर्क को हम भली भांति जानते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी जो भी फाइंडिंग्स की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, पलट दिया बिल्कुल, और उनको संजय सिंह जी को रेगुलर बेल मिली पीएमएलए में, जो इज नो लेस देन एन एक्विटल, जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा आप उससे मेरी बात वेरीफाई करा लीजिएगा। अब क्या है कि ये हम लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं उस ऑर्डर से, और हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, आपको ये बात भली भांति पता है। अब इसमें आपको एक बात और बता दूं, कानून के दायरे में क्या होता है कि जब भाजपा के पास एजेंसीज है सारी, 2 साल से जांचें चल रही हैं, जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये सरकारी गवाहों के बयान पे आधार पर चल रहे हैं, और आप जो कोरोबोरेटिव एविडेंस कह रहे हैं वो एक और बयानबाजी नहीं हो सकती, वो कुछ रिकवरी होनी चाहिए कि कुछ मिला उस बयान के आधार पर, वो तो आज तक नहीं मिला,
इतनी फेल्ड भाजपा और इतनी फेल्ड उनकी एजेंसी।